तबला बजा रही है तू बनकर? हजारों काम पड़े और तू यहाँ पे बिना बजाते बैठी है? माँ जी, बिना आँखों के काम के बारे में कैसे पता चलेगा? वीणा बजाने ही अगर काम है तेरा तो एक संगीतालय खरीदने के लिए बोल अपने बाप को, अच्छा काम चलेगा तेरा। बेशरम नीच खानदान की। कंधारी कंधारी, क्यों क्यों चिल्ला रहे हो इतना मेरा नाम लेके? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं यूं ही थोड़ी बुला रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप ने ही तुम्हारा नाम रखा है कंधारी। मेरा जन्म ही नर्क बन गया है जब तुमसे शादी की, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ज्यादा चिल्लाओ मत, तीन तीन बच्चे पैदा हुए हैं, इसीलिए बेटा पैदा करने के लिए तीसरी शादी करूंगा। बच्चे? तुम्हारे बच्चे हैं? एक पागल बेटा, दूसरी अंधी, तीसरी पढ़ रही है। ए, चुपेट, देख लिया आपने खून का नमूना? ये गधा छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। ए, क्यों मुझे बात सुनवा रहा है, चल अंदर जा। क्या डैडी, तुम हमेशा डांटते रहते हो, मैं चला खेलने के लिए। ए, जाओ यहाँ से। देखा ना अपने खानदान के नमूने को, ये सब मैं क्यों झेलती रहूं? इसी सब के लिए तो मैंने तुमसे शादी की है। ए, देख लिया ना हमारी तैयारी कैसी है, सही है ना? बिल्कुल सही है बिडू। ए, ये दोनों तो क्लोज फ्रेंड हैं। पता नहीं कौन बाजी मारेगा। भास्कर जीतेगा? नहीं, राजा जीतेगा। अरे कोई भी जीते हमें क्या, दोनों एक ही जैसे तो हैं। माय डियर स्टूडेंट, काइंडली लिसन मी, आप सब लोगों ने मिलकर के मिस्टर भास्कर को जिता दिया है। थैंक यू सर। भास्कर, इस जीत के लिए मैं तुम्हें हार पहना रहा हूँ। जैसा सोचे सब मैं वो नहीं, पर रोरों से कम भी मैं नहीं। जैसा सोचे सब मैं वो नहीं, पर रोरों से कम भी मैं नहीं। तूने कुछ देखा है मेरी आंखों में, मैंने कुछ देखा है तेरी आंखों में। तूने कुछ देखा है मेरी आंखों में, हाँ हाँ, मैंने कुछ देखा है तेरी आंखों में। हाँ, जैसा सोचे सब मैं वो नहीं, पर औरों से कम भी मैं नहीं। जैसा सोचे सब मैं वो नहीं, पर औरों से कम भी मैं नहीं। तूने कुछ देखा है मेरी आंखों में, मैंने कुछ देखा है तेरी आंखों में। तूने कुछ देखा है मेरी आंखों में, मैंने कुछ देखा है तेरी आंखों में। हाँ, जैसा सोचे सब मैं वो नहीं, पर औरों से कम भी मैं नहीं। सोचे सब मैं वो नहीं, पर औरों से कम भी मैं नहीं। तूने कुछ देखा है मेरी आंखों में, मैंने कुछ देखा है तेरी आंखों में। तूने कुछ देखा है मेरी आंखों में, हाँ हाँ, मैंने कुछ देखा है तेरी आंखों में। हाँ, जैसा सोचे सब मैं वो नहीं, पर औरों से कम भी मैं नहीं। जन्म है तेरे लिए, तेरा जन्म है मेरे लिए। मेरा जन्म है तेरे लिए, तेरा जन्म
करें हम दोनों को सनम हे 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 किस में कितना है दम जुदा करें हम दोनों को सनम जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ तोड़ेंगे वादा नहीं जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ तोड़ेंगे वादा नहीं हाँ जैसा सोचे सब में वो नहीं पर औरों से कम भी नहीं जैसा सोचे सब में वो नहीं पर औरों से कम भी नहीं तूने कुछ देखा है मेरी आंखों में मैंने कुछ देखा है तेरी आंखों में अरे तूने कुछ देखा है मेरी आंखों में मैंने कुछ देखा है तेरी आंखों में होल्ड ऑन हे ब्रो व्हाट इज दिस तुम्हारे मुंह में दांत नहीं और पान खा रहे हो इस घर का मालिक किधर है इतना बड़ा मालिक यहाँ बैठा है और तुझे दिखता नहीं है क्या मेरे घर में ही घुस के और मुझसे ही पूछताछ कर रहा है तू जीजा जी तुम ही हो क्या हेलो कैसे हो जीजा जी कौन है बे तू बताया नहीं कंधारी ने अपन के बारे में बताया नहीं नहीं बताया मैं कंधारी का चचेरा मामा हूँ अरे रे 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 ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना चल बैठ जा बैठ थैंक यू कंधारी क्यों बेकार में गले को तकलीफ दे रहे हो कौन आया है जरा देखो कौन है ये कौन हूँ मैं कंधारी मुझे नहीं जानती मैं तेरा मामा हूँ पांड्या अरे मामा जी हाँ जी ये क्या तुम तो बिल्कुल बदल चुके हो वो क्या है ना मैं दुबई गया था वहाँ बदल गया और फिर तुम अपने को भी तो देखो तुम भी तो काफी बदल गई हो मामा तुम कब आए यस्टरडे नाइट फ्लाई मामा तुम हम सब लोगों को भूल के दुबई के होके रह गए हो क्या बात कर रही हो आखिर मैं करता तो क्या करता सब बेच कर दुबई चला गया और वहाँ से रिटर्न आके फिर से सेटल हो गया सही है ना क्यों जी मामा को यहीं रहने दो ये बहुत अच्छे इंसान है पैसा भी बहुत है और वो तुम्हारी सेवा भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे तुम कहती हो तो मना थोड़ी करूँगा मैं नो आई एम सॉरी मेरा बिजनेस का काम जो दुबई में फैला है उस सबको निपटाना है मुझे जाना ही पड़ेगा हमारे होते हुए तुम्हें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत तो। है ब्रदर अंकल क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्रदर का मतलब भाई अंकल का मतलब मामा तुम मेरे भाई जैसे कांधारी के पति इसलिए मैंने भाई को आगे रखा और अंकल को पीछे रखा दुबई वाले भाई मैं कुछ समझा नहीं समझे नहीं फिर समझाता हूँ हाँ मैं बहुत बिजी हूँ नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते पतलू आज कोर्ट में हमारा कोई काम है होगा तो चल के देखते हैं कोर्ट में जाने का टाइम नहीं है कोठे पे जाने का टाइम है हम कोई राजनेता थोड़े ही हैं नेता लोगों ने हमारे लिए ये काम शुरू किया है उसमें आप भी हैं क्या मतलब मंत्री छोटा पद थोड़े ही है मंत्री को जरूरत है तो वो खुद यहाँ आएंगे ये देखो अगर किसी ने खून किया है तो मैं उसकी जमानत करवा सकता हूँ अगर 420 करते हैं तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बचा सकता क्योंकि सेक्शन 590 से मुझे सख्त नफरत है ऐसा मत करो जी तू चुप रह एडवोकेट रामन एडवोकेट रामन मैं बहुत बिजी हूँ ये सब क्या हो रहा है सब पता चल जाएगा सर आप हमारा केस जीतकर सामने वाले को मात दे दिए इसलिए हम सब खुश हैं देखो ये हार वार पहनना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ए, 10 लोगों को हार पहनाने के लिए पैसा दिया था और एक ही पहना रहा है इज्जत से बाकी 9 आदमियों ने हार पहना के फोटो नहीं निकाले ना तो तेरी चटनी बना दूंगा ऐसा होता है क्या लेकिन वो क्या है कि ये लेकिन मंत्री क्या जी मिलने आ रहे हैं अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ तू इन सब से निपट ले समझा आइए आइए वकील जी है क्या ओ अंदर है अंदर ये बहुत पुरानी पहचान वाली है ए सुनो हम लोग यहाँ कब से आए हुए हैं हमें छोड़कर तुमने उसे क्यों अंदर भेज दिया बहुत जरूरी काम निपटाना है इसीलिए जल्दी गई है आपको जल्दी है तो कल आ जाना क्यों उसने रिश्वत दिया क्या हाँ हाँ लेता हूँ तेरे से कैश लूंगा वो भी पूरा सूट कैश हाँ। मेरे पति को MLA बनाने के लिए हाँ। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया हाँ हाँ। मेरा मंगलसूत्र भी बेच दिया हाँ हाँ। अब वो मंत्री बन गए हैं हाँ। अपने लिए बड़ा घर बना लिया और मुझे छोटा दे दिया छोटा घर हुआ तो क्या हुआ सही है अब ये केस का क्या होगा वकील साहब बहन जी तुम्हारे घर का 2 लाख रुपए आएगा और उस बड़े घर का 7 लाख रुपए आएगा मैं दोनों में से किसको संभालूं क्या करूं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वैसे भी छोटे से घर में जगह तो बहुत है तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो तो मैं दोनों को संभाल लूंगा
तुम लोग तारीख पे आ जाना, इस केस को मैं स्पेशल बना दूंगा। अब मैं चलती हूं। हाँ जाओ। भास्कर, मैडम आ रही है। अच्छा ऐसा है, यही मुलाकात करनी है क्या? अरे लेकिन अच्छा। वन मिनट मैडम, इस ड्रेस में तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे बकवास नहीं सुननी। जीवा, तुम एक बार मुझे समझ लोगी तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुम अपने हद से आगे बढ़ रहे हो। ए, गुस्सा मत करो यार, मैं किसी भी लड़की को बिना इजाजत के कभी भी हाथ नहीं लगाता। रास्ता रोकना, बदतमीजी करना, इसका क्या मतलब है? मतलब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। जीवा, क्या सोच रही हो? उस भास्कर के बारे में सोच रही हूँ। हाँ यार, वो हमेशा तुझसे उलझता रहता है। उसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत लोग हैं। उसे मारने के लिए जितने भी पैसे देने पड़े, आई विल बेयर द अमाउंट। मामा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हमारे घर की हालत कैसी थी, ये बात तुमसे छुपी नहीं है। उस वक्त अगर मैं इनसे शादी नहीं करती तो आज शायद मैं तुमसे मिल भी नहीं पाती। Forget that. उसे भूल जा। एक औरत के लिए अपनी इज्जत की रोटी और तन पे कपड़ा चाहिए। ये दोनों मिल जाए तो औरत अपनी इज्जत बचाने में पूरी तरह से समर्थ हो जाती है। कंधारी, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम जानती हो? लेकिन एक बूढ़े के साथ शादी करके मुझे कहाँ खुशी है? तुम उनकी उम्र पे मत जा। तुम सुहागन हो, ये बहुत बड़ी बात है। सुहागन होके भी क्या फायदा वो अंधी और पागल को संभालना? बाप रे। ओ, ये बात है क्या? अब मैं आ गया हूँ ना, मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। राजा, राजा, मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं हुआ ना? अब देखो। भास्कर, तुम क्या कह रहे थे? ए, इसको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती, ये तुझे भड़का रही है। इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुमने ही कुछ किया होगा। क्या कहा तूने? एक लड़की की बात पे भरोसा करके दोस्त के ऊपर शक करता है। चलो यहाँ से, चलो। सॉरी भास्कर, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। मैं जीवा की बातों में आकर तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ए, मैंने कहा क्या? उस बात का मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, तो तू क्यों बुरा मानता है? ऑलराइट, जो हुआ उसे भूल जा, बस इतना ध्यान रखना कि ये सब दोबारा ना हो। वो तो ठीक है, अब एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, घर जाने के बारे में क्या प्लान किया है? मेरी तू छोड़ दे, लेकिन तू घर जाने के बाद मुझे भूल जाएगा, जीवा की यादों में खोया रहेगा, तो फिर हम लोग कैसे मिलेंगे यार? कैसी बात कर रहा है यार, जब तक हम जिंदा हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आने दो उनको, जहाँ जाते हैं चिपक जाते हैं, आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। मैं भी बताती हूँ उनको। कहाँ गए थे इतनी देर से? तेरे लिए गरम गरम हलवा लेके आया हूँ। सिर्फ हलवा लेकर आयो? तेरी भी मेरी तरह उम्र हो गई है, सारे दांत गिर गए हैं, इसीलिए चबाने वाले चीज की जरूरत ही नहीं है, बस मुँह में डालो और गड़क। जरा मुँह खोलो। अरे वाह, तुम्हारे जैसे मीठा है हलवा। क्यों जी, आप मुझे पिक्चर दिखाने ले जाने वाले थे, वादा किया था, और ले नहीं जाते फिल्म दिखाने। मुत्तमा, तू है मेरी प्रियतमा, सब कुछ अपने साथ लेके मेरे पीछे पीछे आ, सिनेमा के अंदर घुस के सब कुछ देख लेंगे। क्या कह रहे हैं जी? तू तो गोभी का फूल है, छूने से पहले तो मैं गुलाब थी, निकल लूं तो गले में अटक जाए। चूस चूस के प्यार से खा लो। खुद तो बड़ा नहीं हुआ, लेकिन चोटी बड़ी हो गई। देख ना माधवी, ये लोग हमारा रास्ता रोक कर खड़े हैं। कौन हो तुम लोग, हमारे गांव में आकर लफड़ा कर रहे हो? देख लिया ना, अंधी होकर भी भाईगिरी की बात कर रही है। अंधी है बेचारी, हरामी लोग उसे परेशान कर रहे हैं। ए, क्या लफड़ा कर रहे हो तुम लोग? अगर किसी ने लफड़ा किया तो काट डालूंगा। यहां से क्या बोल रहे हो, आगे आओ ना। जाओ जाओ जाओ। ए, 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 ए
माधवी दीदी मैं भी हूँ यहाँ। जोशी मामा जी भी आए। माधवी माधवी रो मत बेटा, अगर ऊपर वाले ने तेरी आँख छीन ली है तो क्या हुआ, लेकिन उस भगवान को आँख होते हुए भी तेरे पास देख नहीं रहा है। ऐसी बात मत करो दीदी, मेरे पूर्वजों ने कोई अच्छा काम किया होगा इसलिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। मेरे पिछले जन्मों का कोई पाप होगा जो इस जन्म में मैं भुगत रही हूँ। रो मत बेटा, चल यहाँ से। अब तुम मुझे छोड़कर कितनी दूर चली जाओगी, है ना? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं फॉरेन जा रही हूँ। अरे पास में तो गांव है। वो बात नहीं है, घर पे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी सौतेली माँ। नहीं नहीं, वो मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। तो फिर ठीक है। छोटी बेटी जीवा शहर से गांव आ रही है। क्या है कंधारी, तुम्हारे बच्चे बोलकर तुम जलती क्यों हो? हमारे बच्चे बोलकर प्यार नहीं कर सकती? कितना भी अच्छा सोचूं पर हूँ तो सौतेली। कंधारी क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? गरीब घर से आई हो तुम, तीन बच्चों का बाप है ये तो क्या हुआ? तुझे रानी बनाकर रखा है इसी का सिला दे रही हो? बच्चों को कोई तकलीफ न हो और तुम्हें भी खुशी मिले इसलिए बच्चों के आने के बाद सगी माँ सौतेली माँ जैसे शब्द सुनना नहीं चाहता हूँ। देखो ब्रदर अंकल कितने दुखी हो गए हैं। आई एम सॉरी मामा, बिना सोचे समझे ही मैंने बोल दिया। देख लिया, कोई तो आया तुम्हें सबक सिखाने वाला, क्यों? बकरी, ए बकरी। कहिए? ये क्या है, बेडशीट के कपड़े से शर्ट और साड़ी बना के पहनोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या? सुना नहीं, मालिक कितनी देर से चिल्ला रहे हैं।
ए बकरी। जी मालिक। जीवा शहर से आ रही है, कन्नम्मा का साथ में ले लो और जीवा का कमरा साफ कर दो। ठीक है मालिक। अरे रे, इसके साथ नहीं चाहिए बाबा, मैं अकेले ही पूरा काम कर दूंगी। क्या कन्नम्मा तुमसे इतना डर क्यों रही है? ये मेरी आदत जानती है इसलिए डर रही है। ए सच बता, बेवकूफ समझता है क्या? भैया ये हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। लड़ता रहता है और ऐसे लड़ता रहता है तू? तेरे जैसे आदमी अगर दुबई में रहता तो उसे गोली मार दी जाती, समझा? वहाँ भी काम करने वाले रहते हैं क्या? काम वाले तो रहते हैं उधर, लेकिन तेरे जैसे नहीं। वहाँ गाड़ी में घूमते हैं और तू बगैर चप्पल के घूमता है। वो लोग पैंट शर्ट में रहते हैं और तू इधर लंगोटा धोती में रहता है। उसमें काम करने में आसानी होती है, सुन लिया ना? चल अभी। अरे रे रे, ब्रदर अंकल, जीवा के आने की सारी तैयारी आप मुझ पे छोड़ दें। आप दोनों बैठ कर बातें करें। क्या देख रहे हैं? गंधारी, मैं अभी आया। मम्मी, मम्मी। आओ बेटा भास्कर, ठीक तो हो ना? बहुत दुबले हो गए हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत दुबली हो गई हो। दुबली हो गई हूँ? चल रे। ठीक है, सुमति किधर है? सुमति, सुमति। भैया, भैया। भैया। अरे संभाल के, गिर जाएगी तू। कितने दिन बाद आए भैया? आज के बाद तेरा भैया तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। भैया तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? एकदम फर्स्ट क्लास गया है। जीवा, जीवा तू आ गई। आ गई, देखो जीवा आ गई। वाह वाह वाह, कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ मैं। एग्जाम कैसे हुए? सब कुछ ठीक हो गया, मैं पास हो जाऊंगी। अच्छा मम्मी, दीदी कहाँ है? माधवी अपने कमरे में बेटा। मैं जाके मिलके आती हूँ। हाँ ठीक है। दीदी। जीवा आजा। दीदी, दीदी तुम क्यों उठ रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे पास। कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ। मेरा क्या दिन, क्या रात, क्या सुबह हो जाती है, लेकिन दूसरों की तरह मेरे लिए सवेरा नहीं आता। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो दीदी? तुम्हारी ये छोटी अब डॉक्टर बन गई है। कोई भी अच्छे नामचीन डॉक्टर से मिलके मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी दीदी। जीवा मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी बातें मत करो दीदी। पापा। क्या बात है राजा, बोलो। मैं डॉक्टर बनकर आ गया हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मैं गाँव वालों की सेवा करूँ पापा। ऐसा क्या? हाँ पापा। राजा, हर बच्चा पढ़ने के बाद में शहर में नौकरी करने के बारे में सोचता है, और तुम पढ़ाई करने के बाद गांव की भलाई के बारे में सोच रहे हो। बेटा तुम्हारी ये कोशिश बेकार नहीं। पापा मैं कौन हूँ? आपका ही तो बेटा हूँ। मुझे भी जाना है तो जाके। लेकिन खर्चे का इंतजाम कैसे होगा? मालिक से कुछ पैसा उधार ले लेंगे। अरे भाई हाँ। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ तू निकल। मैनेजर साहब। क्यों काम छोड़ के तुम लोग पान खाने में लगे हो? चमड़ी उधेड़ दूंगा, जाओ काम करो। भागो भागो। आज काम हो रहा है या नहीं? मजदूर नए नए हैं, काम कर तो रहे हैं। ऐसा क्या? सीखते सीखते सीख जाएंगे। ए मैनेजर, तुम यहाँ पैंट पहनकर कीचड़ में काम क्यों कर रहे हो भाई? ब्रदर अंकल, हमारे लिए पैंट इम्पोर्टेंट है या नहर निकालना इम्पोर्टेंट है? तुम्हारे लिए घर में चाय बनाएंगे। हाँ हाँ, जब तुमने काम करने के लिए फावड़ा उठा ही लिया है तो कम से कम पैंट भी ऊपर कर लेते। मैनेजर तू मुझे सिखाने आया है क्या? यहाँ पानी जाम हो गया था इसलिए उतरा मैं। उसके लिए और आदमी नहीं है क्या? तू ही क्यों नहीं कर देता? अरे रे, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम वो काम करने वाले मजदूर को बोलते तो वो कर देते। ब्रदर अंकल, इस उम्र में, इस धूप में तुमने यहाँ आकर क्यों कष्ट किया? ये सब मैं नहीं संभाल सकता क्या? ब्रदर अंकल, तुमने यहाँ आने का कष्ट किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। पांडेया, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो ये सुन के मुझे खुशी हुई। चलो चलते हैं। भैया, भैया, माधवी, तुम फिर शुरू हो गए, चलेंगे ना भैया? तुम जाओ ना, मैं पीछे से आ जाऊंगा। तुम जाओ माधवी। क्या भैया तुम भी? क्यों बेटे तुम यहाँ खड़ी हो? मंदिर जाने के लिए खड़ी हूँ। ए तू यहाँ क्या बैठा बैठा कर रहा है? बहन को मंदिर लेके नहीं जा सकता? जब देखो तब डांटते रहते हो। तुम जाओ ना मंदिर में पिताजी। मामा गाना गाओ ना मामा। ए अनाज के दुश्मनों, तुम्हें इस गांव में और कोई काम नहीं है क्या? हैं? इसको है क्या? ओ स्वामी, माथे पे टीका लगा लिया तो तू स्वामी बन गया क्या? मार के गधा बना दूंगा, समझा? तू तुम्हें करने की क्या जरूरत है? ये हमारे पिताजी तो करते आए बरसों से। ये किसी काम का नहीं है नालायक। तुम चलो बेटा, संभाल के बेटा। ए, आज मैं बहुत खुश हूँ रे, और तुम सब खुशियाँ मनाओ रे। क्या हुआ भाई? हमारा सरदर्द बना था इंस्पेक्टर रमेश, उसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया है।
ये खुशखबरी सुना के आपके मुंह में घी शक्कर भाई। शक्कर बाद में डालना, पहले नशा तो चढ़ाओ। ये लो भाई, पहली धार का है। भाई आपके घर पर सारी चीजें पहुंचा दी है मैंने। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी आइटम किधर है? हमारे गांव की बहुत सारी औरतों को उनके पति से कोई मतलब ही नहीं रहता है, बस पैसे चाहिए उनको। लेकिन मेरी वो आइटम पैसे की लालची नहीं है, 500 रुपए दूं तो भी उसमें वो खुश रहती है। कांस्टेबल, जो भी फाइल देखो, जंबो जंबो जंबो, कौन है ये साला जंबो? सर वो कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ा गुंडा है। तो क्या उसे ऐसे ही फ्री छोड़ दें हम? ये बात नहीं है सर। शट अप, चोरों को पकड़वाने के बजाय उनकी तारीफ कर रहे हो तुम। सर वो कुछ भी करे फिर भी ये गाँव वाले उसके खिलाफ नहीं जाते सर। क्यों, उसके डर से? क्या वो कोई महात्मा है? जो भी उसका पता बताता है वो उसको पाताल भेज देता है। इसीलिए तुम लोग भी भीगी बिल्ली बन गए हो? क्यों? जी हाँ सर। सारे गुनाहों में जंबू शामिल हो तो तुम क्या करते हो? सरकार तुम्हें पगार क्यों देती है? इसीलिए नहीं कि उसकी गुलामी करो। तुम लोग मेरे साथ चलोगे? यस सर। हे भगवान। बहन तुम पहले यही काम करती थी ना? जी हाँ। आजकल क्यों नहीं आ रही हो तुम? पहले काम किया, पगार नहीं मिला, अब काम करूंगी तो वो भी नहीं मिलेगा ना, इसलिए। क्या कहा, पगार नहीं मिलता? कौन है वो जो तुम्हें पगार नहीं दे रहा है बहन? अरे रे, ये हमारे मालिक को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा बहन। तुम अभी चलो मेरे साथ, चलो बहन, तुम्हें पहले का भी पगार दिला दूंगा और नौकरी भी दिला दूंगा। आओ बहन, आओ आओ। तुम अंदर जाओ बहन। बंद कर, बंद कर। क्या रे भाई? भाई सच है। रुको, क्या सोच रही हो तुम? ये देखो टेबल पे पैसा पड़ा हुआ है, तुम्हें पसंद है तो उसे उठा लो, वरना तुम घर जा सकती हो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मालिक आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे नौकरी दिलाने का वादा करके वो लोग मुझे यहाँ ले आए, लेकिन कुछ दिन पहले मैं कहीं और काम किया करती थी, उन लोगों ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद मुझे कोई नौकरी आज तक नहीं मिली। अच्छा तुम हो कौन? इस गांव का हर शख्स मेरे पति का नाम अच्छे से जानता है। वो इतना फेमस है? बुरे लोग तो क्या, अच्छे लोग भी उसका नाम जानते हैं। क्या मतलब? मेरे पति का नाम है जंबो। ओ, वो तो एक बहुत बड़ा गुंडा है। अगर मैं यहाँ आई थी ये पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है तुम अपने घर जाओ, मैं उससे बात कर लूंगा। सच्चाई बताने यहाँ आया हूँ, मेरी बात गौर से सुन, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं। छे, बीवी पर मर्दानगी दिखाने वाले तू अपने आप को शेर समझता है क्या? मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, मेरी मर्जी है, तू इसकी वकालत करने क्यों आया है? तेरी तो Oh!
ए रुक। वकील है क्या? कौन है तुम? पहले ये बताओ वकील है कि नहीं? मारवाड़ी के यहाँ गिरवी रखने के बजाय यहाँ लाए हो, ये क्या है? सर। हाँ तेरा सर। ये देख। क्या हो गया तुझे? सर, तेरा सर है या किसी और का सर है? नहीं, मुर्दे का सर है। मुर्दे का सर? इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, क्या बात है? ये मेरी बीवी का सर है। तेरी बीवी का सर? झगड़ा कर रही थी, सर काट डाला, ये देखो। बीवी को मार डाला? सब कुछ तुम्हारे भरोसे किया है। बीवी का खून करने वालों का केस मैं नहीं लड़ता। फोकट में केस नहीं लड़ना है। ये लो पैसे लो, ये मेरी बीवी के गहने। अब क्या बोलते हो बोलो? पैसा लेकर भी नहीं लड़ता मैं। नहीं लड़ोगे? हाँ। ये देख। अरे ये क्या? इसी से मैंने अपनी बीवी का सर काटा है। लड़ूंगा। अब तेरी बारी है। हाँ लड़ूंगा लड़ूंगा। हाँ हाँ, कोर्ट में जाए के बगैर ही मैं ये केस यही जीत के बताता हूँ। अरे सबसे पहले इसको नीचे रख। हम लोग सीधे शमशान जाएंगे, रास्ते में 1 लीटर पेट्रोल लेंगे और 1 लीटर केरोसिन लेंगे। पेट्रोल में तेरे सर पे डालूंगा और घास लेट इसके सर पे डालूंगा। माचिस लगा के आग लगा दूंगा। किसके सर को? कोई भी एक के सर पे। वहाँ से तू सीधे यहाँ ना, दोनों में से किसी का सर नहीं बचेगा। ठीक है साहब। इसे भी साथ ले जाओ। अरे मैं बोल रहा हूँ उसके साथ जाने के लिए। मुझे ए, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ जाओ शमशान जाओ जाओ। आग लगाने के बाद ये मुझ पर हमला करेगा तो? हाँ मैं भी इसे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। सेक्शन 503 लागू करना होगा। 100। हेलो शमशान। सॉरी पुलिस स्टेशन। किधर का माल है रे? हमारी भट्टी का है भाई। बोतल के साइज का है नहीं और मुझसे झूठ बोल रहा है। लाइ दर दे। ये लो भाई। ले। ये तो हमारे दांत के नीचे भी नहीं आएगा, इतना जल गया है, लेकिन भाभी तो अभी जवान है। तेरे को बहुत चढ़ गया है भाई, इसमें से 2 घूंट मारो और मजा आएगा। पीने के बाद ही हमारा दिमाग काम करने लगता है भाई। हमारे इलाके में जो नया इंस्पेक्टर आया है उसने तुम्हें पकड़ने का बिल्कुल ठान लिया है भाई। मेरे को हवलदार ने बताया भाई। कोई बहुत बड़ा तोप है क्या नया इंस्पेक्टर? वो चालाक है भाई। चालाक? हम लोग 8 लोग है भाई, टेंशन नहीं लेने का। हम लोग 8 लोग हैं भाई, तुमको छुएगा तो लुढ़का देंगे। माधवी बेटा, तुझे मेरी आंखें मिल जाएं। क्या बात है दीदी, आज तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? हाँ बेटी मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें माधवी नाम देने के बजाय महालक्ष्मी नाम देते तो ज्यादा बेहतर होता। क्यों, महालक्ष्मी अंधी है क्या? ऐसा नहीं बोलते बेटा, बचपन में जब से तेरी आंखें गई हैं तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, इसलिए बेटा मैं ये बात कह रही हूँ। ये सब रहने दीजिए दीदी, मेरी माँ कहाँ है? वो एक जगह कहाँ रहती है? पूरे गांव में भटक रही होगी कहीं। दीदी दीदी क्या है, खाना सामने रखा है, तुमने खाया क्यों नहीं? तुम इसको खिला देना बेटा, मैं कर लेती हूँ काम। ठीक है। दीदी जिसकी आंखें नहीं होती उसको कैसे पता चलेगा कि कब कौन कहाँ क्या रख के गया? क्यों रे, तूने खाना यहाँ रखा हुआ है, खाया क्यों नहीं अब तक? क्या मम्मी, तुम भी दीदी से नौकरानी की तरह बर्ताव कर रही हो? दीदी का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऐसी बात नहीं है जीवा, ये भूखी ना सो जाए इसलिए गुस्से से कह दिया। कंधारी अच्छा सोचे बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। अरे जब ये दो बहनें आपस में बात कर रही हो तो तुम बड़ी को गलत क्यों बता रही हो? और तुम क्यों अपनी शान दिखाने के लिए बड़प्पन जता रही हो? इनकी पसंद से इनकी शादी की तैयारी करो। जीवा मैं जो कह रहा हूँ वो शायद तुम्हें बुरा लगे, पीछे देखो, फूल लाइफ में पीछे जाने को कह रहा हूँ, तभी जिंदगी में सही गलत का पता चलेगा। तो फिर तुझे भी कोई नहीं रोकेगा? तो फिर तुझे भी कोई नहीं रोकेगा। बकरी ये थाली यहाँ किसने रखी? मैंने। इस तरह चुपचाप रख के जाने का मतलब क्या है? दीदी को बता नहीं सकता था? करना है तो ढंग से करो वरना जा सकते हो। जा यहाँ से। इस घर में जिसको जहाँ रखना है वही रखना तू। चलो अभी यहाँ से, चलो चलो। दीदी तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। बहन जी जम्बू का घर कहाँ है? जम्बू का घर? वो देखो उसकी बीबी जा रही है। जरा सुनिए, आप जम्बू की वाइफ हैं? आप कौन हैं? मैं उसका खास दोस्त हूँ। वो घर पे कहाँ रहते हैं?
ये तू किससे बातें कर रही है? ये कह रहा था कि आपका खास दोस्त है। कौन है बे तू? ओ तो तू ही जम्बू है, सारे गांव में दहशत फैला रखी है। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, आज तेरा सामना हो ही गया। तुम नए इंस्पेक्टर तो नहीं? मेरे पूछ पे पैर रखने वाले इंसान को मैं काटे बगैर नहीं छोड़ता हूँ। ए पद्मा जा अंदर जा। बच के निकल गया। तुमने तो कहा था यहाँ पर छह तालाब है, यहाँ तो एक भी नजर नहीं आ रहा है। छह का छह है, थोड़े आगे ही एक तालाब है, वहाँ जाके तेल लगा के नहाओ। चोरी, आज तो इस पे मेहरबान हो रही है। इसने मुझे दुबई में ले जाकर काम दिलाने का वादा किया दुबई है। दुबई में कौन सा काम? क्यों नहीं, तू कैसी कैसी बात कर रही है? तू मेरा है, अरे रे ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? देखिए जी ये दोनों मिलकर कुछ चक्कर चला रहे हैं। अरे रे ये तालाब भी लोग गंदा कर देंगे। अरे इन लोगों को भी नहाने का होगा, इसीलिए तेल लगा क्या है? हाँ जी हम इन्हें तेल लगाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आया मेरा यार रे, बिछड़ा दिलदार रे, जय हो भगवान जी, आए मेरे काम जी। गाँव की ये सुंदरी हमसे क्या बराबरी, गाँव की ये सुंदरी हमसे क्या बराबरी। ए हाथ ना लगाना मुझे, दूर से बोलो ए मेरे पास ना। काम की नहीं छोड़ दिया रास्ता, न तुझसे कोई वास्ता। यार मेरे हमसे न चिढ़ो, पास आ दूर न जाओ। यार जो तू लूट जाएगा, वो यारा कैसे दिल को करार आएगा। आया मेरा यार रे, बिछड़ा दिलदार रे, जय हो भगवान जी, आए मेरे काम जी। हो 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 हो, गांव की ये सुंदरी हमसे क्या बराबरी, गांव की ये सुंदरी हमसे क्या बराबरी। जब भी मिले तुम मुझको छूने लगते हो, सिर्फ बात तक रहो। अरे पैर से ऊपर तक जब तक न छुएंगे तो प्यार कैसे बढ़ेगा। कचरे की टोकरी तू बन जा मेरी मामी, तू है मेरा स्वामी, तेरी करेंगे गुलामी। आओ ना जरा समझाओ ना, प्यार मेरा इसे बतलाओ ना। यार जो तू रूठ जाएगा, वो यारा कैसे दिल को करार आएगा। चाहो
चाहूँ ना मैं सोना, मैं चाहूँ ना मैं चांदी, दे दे प्यार मुझे रे। सबसे बड़े है पीछे बात मेरी, मान कर इकरार मुझसे रे। यारों में सीधा साधा नहीं ऐसा है इरादा, भूल के तुम सब कुछ बस भक्ति करो ज्यादा। नहीं रे पीछा ना छोड़ेंगे, दिल से दिल आज ही जोड़ेंगे। गाँव में मशहूर भी है हम, ओ यार ऐसे गाँव में बदनाम भी है हम। गाँव में मशहूर भी है हम, ओ यार ऐसे गाँव में बदनाम भी है हम। आया मेरा यार रे, बिछड़ा दिलदार रे, जय हो भगवान जी, आए मेरे काम जी, हो 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 हो। गांव की है सुंदरी हमसे क्या बराबरी, गांव की है सुंदरी हमसे क्या बराबरी, गांव की है सुंदरी हमसे क्या बराबरी। कौन है बदतमीज, देखकर नहीं चल सकता? मैं अंधी हूँ बेटा, तुम भी हमारी तरह हो क्या? क्या आप लोग भी देख नहीं सकते? मुझे माफ कर दो बहन, मैं भी देख नहीं सकती इसलिए अनजाने में कह दिया। बहन जी क्या आप दोनों को आँख नहीं है? नहीं बेटा, हम लोग यहाँ सभा में आए थे। कहाँ पर? हमारा भी एक भाई है जो गांव में है, उसने हमारी आँखें फोड़ दी और फिर हमें भीख मांगने के लिए यहाँ छोड़ दिया। इंसान के लिए आँखें सबसे बड़ी सौगात है। मैं सोचती थी कि सिर्फ मैं ही अंधी हूँ, मगर आप लोगों को देखकर ये शक भी दूर हो गया। भैया भैया माधविया माधवी तुम यहाँ खड़ी हो, चल ना मंदिर चलते हैं, चल ना माधवी। भैया मैंने भगवान के दर्शन यहीं कर लिए हैं, इन्हें लेकर अपने घर चलते हैं और इनके लिए कुछ करते हैं। तुम जाओ बहना, तुम जाओ, मैं सबको लेकर आता हूँ। कौन है ये लोग? मम्मी ये लोग सब ये लोग सब अंधे भिखारियों को साथ ले आई हो? ये भिखारियों का घर है क्या? अब ये घर बर्बाद हो जाएगा। चीची इन लोगों को देखकर मुझे घी ना रहे, इन्हें बाहर जाने के को, वरना इन्हें मैं तो। मम्मी गरीबों का इतना तिरस्कार मत करो। रिश्तेदार है क्या? अंधी अंधे को कितनी जल्दी पहचान गई। ये तो अभी शुरुआत है, कुछ दिन और ऐसा ही चला तो हम लोग भी रोड पे आ जाएंगे। मम्मी मंदिर में जाते वक्त ये लोग मिल गए, इनका कुछ भला हो इसलिए मैं इन्हें यहाँ अपने साथ ले आई। इनके साथ जो तुम बर्ताव कर रही हो वो ठीक नहीं है, ये भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना। ओह कहानी इंसानियत पे आ गई, आज के बाद तू कदम बाहर निकाल के तो देख। मम्मी सिर्फ मैं मंदिर ही तो जाती हूँ, वो भी बंद करा दोगी तो मैं घर में बैठी रहूंगी। तू बाहर जाती है तो अपना बड़ापन दिखाती है, तेरे पिताजी को आने दे, जो करना है उसे पूछ के करना। हमारी खातिर तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा बेटा, हम चलते हैं बेटा। मुझे माफ कर देना, इस वक्त आप लोग जाइए, मैं आप लोगों के लिए जो बन पड़ेगा जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। डैडी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए। नहीं बेटी, जल्द से जल्द दीदी की शादी कर देनी चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है बेटी, अगर भगवान ने चाहा तो उसके पहले उसके आगे मैं तेरी शादी कर देना चाहता हूँ बेटी। डैडी ये आप कह रहे हो? इससे अच्छा मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा बेटी, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ पर भरोसा नहीं है बेटा। मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा ये सोचकर मुझे डर लगता है। डैडी भैया का इलाज होना चाहिए, दीदी की शादी होनी चाहिए, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। भाई साहब लड़की को तो बुलवाइए। दीदी सबको नमस्ते कहो। दीदी नमस्ते। संधि जी लड़की हमें पसंद है, पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा करके जल्दी शादी करने की मैं सोच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने हमारी खुशियों में चार चांद लगा दिए हैं, सारी बातें कर लेते हैं। तो फिर देर किस बात की? पापा आप ही तय मत करो, उन्हें भी बोलने दो। देख लिया ना, लड़के को भी लड़की एकदम पसंद आ गई है। मेरी बेटी माधवी को आंखें नहीं है, बस यही कमी है। वो कौन सी बात है, मेरे बेटे की आंख तो सही सलामत है ना बस। दीदी बातचीत में तो ये लोग अच्छे लगते हैं, तुम बहुत नसीब वाली हो। समधी जी
तुम बिना बोले बहुत कुछ दे दोगे, मुझे पता है। तुम दोगे तो किसको दोगे? सब कुछ तो अपनी बेटी को ही दोगे ना। ठीक है, अब शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। इसी महीने में कौन सी अच्छी तारीख है? मुहूर्त तो अच्छा है, जो पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ भाई? 10 पैदा हुआ। क्या 10 पैदा हुआ? एक लड़की एक लड़का, ये दो पैदा हुए उनके बारे में बताओ। ऐसा नहीं है, बीज पैदा हुआ, पेड़ पैदा हुआ, नक्षत्र पैदा हुआ। नक्षत्र पैदा हुआ, स्टार? क्या हम फिल्म बनाने जा रहे हैं जो स्टार का सिलेक्शन करना है? मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, ये तो पंचांग बोल रहा है। पंचांग में जो लिखा उसे पढ़ के बताने में कौन सी बड़ी बात है? वो तो मैं भी बता सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है जी, उनको सुखी रहने के लिए 5 स्टार जुड़ना जरूरी है, तभी जाके उनकी शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकलेगा। इसके स्टार में ये ग्रह क्रॉस कर रहा है। कौन है जो क्रॉस कर रहा है? उसको बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा, बाकी का तुम देखो। उसको सुधारे बगैर ये शादी नहीं हो सकती, करेंगे तो होगी नहीं, होगी तो रुकेगी नहीं। अरे पंडित जी, जब देखो तुम सारी बातों को कंफ्यूज करके रख देते हो। ऐसा नहीं है, अगर आज नहीं हुआ तो भविष्य में कभी नहीं हो सकता, ये मेरा कहना है। वैसे कैसे भी शादी तो हो जाएगी। पंडित जी, एक पंडित को कंफ्यूज किए बिना, एक पंडित का फर्ज क्या होता है जानते हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? एक नेता की तरह लोगों को तुम बहका रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। आने वाले दुखों को बताना ही पंडित का धर्म है। दोष इसमें है या तुम पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? कहाँ गिर गया? चला गया? अरे देखो तो जीवा, क्या है? इनका पैर देखा क्या? देखो डैडी, इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहिए। क्यों जी, तुम इस लंगड़े लड़के को लाकर मेरी लड़की के गले में बांधना चाहते थे? अंधी से ज्यादा बुरा नहीं है लंगड़ा होना। वो बंद करो, यहाँ से निकल जाओ। पिताजी, मैं अंधी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? किसी भी तरह ये रिश्ता हो जाने दो, मत रोको पिताजी, इस रिश्ते को हो जाने दो पिताजी। दीदी, इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। चलो उठो यहाँ से, चलो बेटा, भागो, निकलो यहाँ से, चलो चलो। मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मेरी वजह से तुम लोगों की शादी नहीं हो रही है, मुझे इसका गम है। दीदी, मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं, तुम्हारा घर अच्छे से बस जाए तो मेरा आधा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है बहन, राजा के साथ तुम्हारी शादी हो जाए तो। शादी का जोड़ा तो स्वर्ग में तय हो जाता है, वो अपने वक्त पे संपन्न होके रहेगा। दीदी ठीक है बहन, उस वक्त का मैं इंतजार करती रहूंगी। लड़की वालों के बारे में हमें पहले बता देना चाहिए, हमने नहीं बताया। तू है इसी लायक, पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ डाला, बेवकूफ कहीं का। क्या जरूरत पड़ी थी लड़के के पैर के बारे में बताने की? उसने थोड़ी दिखाया था, उस पगले ने देख लिया था। अगर वो लड्डू नहीं गिरता और वो वहाँ नहीं जाता तो आराम से शादी हो गई होती। थोड़ी भी इज्जत नहीं रखी जीवा ने, घर आए मेहमानों को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अब इन सबका इलाज करना ही होगा। 1, 2, 3 वाह वाह, मैं जीत गया, अब तुम लोग चक्कर लगाओ। क्या रे, हम लोग क्या बात करे, ये सुन रहे? नहीं मम्मी, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे हमारी जासूसी करने लगा? इसे ऐसे नहीं छोड़ना होगा। ए, जाओ रे यहाँ से। भागो रे। रुक। नहीं मम्मी, जासूसी करेगा? मुझे मत मारो। मम्मी, उसे क्यों मार रही हो? उसने क्या किया है? हमें जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती। जब देखो दीदी पे हाथ उठाती रहती हो, जुल्म ढाती रहती हो, ये सब क्या है बताओ? ये सब इनकी भलाई के लिए, इन दोनों की भलाई के लिए। अब तुम मत सोचना, अब जो भी करना है मैं करूँगी। ध्यान रख बेटा, अच्छी तरह से ध्यान रख, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चलो भैया। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल गई। 3 बच्चे पैदा करने के बाद में तलाक? फेस फेस, तुम्हें क्या कहना है? सर, थोड़ा भी सुकून नहीं है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए सर, पति के प्रति, पत्नी के दिल में प्यार मोहब्बत जज्बा, थोड़ा तो होना चाहिए सर, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो एक मिट्टी का पुतला तो है। तो फिर ये 3 बच्चे कैसे हो गए? ये प्यार से नहीं, मेरे जोश से पैदा हुए हैं सर। सुना क्या? तू मर्द के नाम पे एक तूफान है और वो हवा का हिस्सा है। मियाँ बीवी को दोनों को मिलके फैसला करना चाहिए, 2 बच्चे घर में रहें तो कभी झगड़ा भी नहीं होगा और प्यार भी रहेगा। हाँ साहब, दूसरे बच्चे के बाद मैं खुद रोक रही थी, तीसरे बच्चे के बाद मैंने ही बंद कर दिया। करेक्ट, लेकिन अब इन 3 बच्चों का क्या होगा? वो क्या है ना सर? आदमी औरत के बिना अधूरा है, फिर भी घर की बीवी को घर की मुर्गी दाल बराबर समझता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? सर यू शट अप, खुद को खुशी देने के लिए दूसरों के आंसू पोंछने पड़े, यही इंसानियत है। सारी दुनिया हंस रही है, तुम्हारी बीवी हंस नहीं सकती?
गलती किसकी है? तुम्हारी है। बीवी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो सोच लेना तुम्हारे ऊपर सेक्शन 510 लग जाएगा। सर कुछ मत बोलो, इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर मैंने घर से आते वक्त एक गिलास भी पानी नहीं पिया है। सर मैं भी भूखी आई हूँ। करेक्ट, दोनों भूखे आए हैं, इसलिए मेरी ये बात सुन लो, तुम्हारी बीवी और बच्चों का कोई नहीं है, इसलिए इनको देखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। नहीं सर, मम्मी पापा ने मुझे नौकर बना दिया है। क्या कह रही हो बेटा? सच कह रही हूँ सर, मुझे इनके सारे जुल्म से बचा लीजिए ना सर। देखो इन बच्चों को, ये लोग इतने प्यारे हैं और तुम इनके साथ ऐसा कर रहे हो। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ, अब अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया ना तो मैं इन्हें देख लूंगा। सर मेरी बच्ची को मैं देखूंगी, चलती हूँ। रुको, मैंने इन बच्चों के साथ तुम पे भी बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ कर दो। सर आप भी मुझे माफ कर दो ना। हाँ मैंने भी माफ कर दिया, अब इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है, प्यार से इनकी जिम्मेदारी निभाना। चल अब जाओ यहाँ से, जाओ। यूं ने ऐसे ही छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? एक टूटे हुए घर को बचाया है और तुम कहते हो छोड़ दिया। ठीक है ठीक है, ना एक ना दो, चल जा चुपचाप सो जा। आंख जिसके पास नहीं आंख की वैल्यू वही जानता है। इस समय मैं आपको चश्मा दे रहा हूँ, आप बीच बीच में दिखाते रहिएगा। ठीक है जी। डॉक्टर मेरी दीदी के रिपोर्ट का क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट बताने में मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई आंख दान करे तभी कुछ हो सकता है। माधवी को कोई दूसरी आंख मिल जाए तो वो देखने लगेगी डॉक्टर। बिल्कुल देखेगी, आंखें बदलने के बाद इस दुनिया में हजारों लोग देखने लगे हैं। मरने के बाद अंतिम संस्कार से पहले कोई अपनी आंख दान करने वाला मिल जाएगा डॉक्टर। मिल गया है डॉक्टर। रोइए मत जी, आप तो बिना आंखों के भी रह सकते हैं, मैं हूँ ना, बेचारी को आंख मिल जाएगी तो वो दुनिया देख सकेगी। इतनी अच्छी बात पे क्यों रो रहे हो? मैं अपनी आंख देना ही चाहता था, अफसोस मेरे पास सिर्फ दो ही आंखें हैं। एक जो है वो तो दे दीजिए आंख। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा ही कोई आज नहीं तो कल आ जाएगा, पर ये काम तुम करोगे तो हम पर तुम्हारा एहसान हमेशा रहेगा। ऐसा है क्या? अगर पूरे गांव में ऐसा कोई है तो मैं पता लगाऊंगी। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी आंखें खुद निकाल के दे देता। चुप करो। ऐसा ही करो, तुम लोग पास के गांव में एक शंकर नाम का आदमी है, वहां जाकर आज ही उनसे मिल लो। अभी जाते हैं सर, मिट्टी में मिलने वाली आंखें किसी के काम तो आ जाएंगी ना। लागे जीना दुनिया में आ।
माधवी बेटा, तुम यहाँ गाना गाकर पैसे इकट्ठा करके गरीबों की सहायता कर रही हो बेटा। अगर मुझसे कहा होता तो मैं नहीं देता। पिताजी, आपने न जाने कितने दान पुण्य किए होंगे, लेकिन मुझ जैसे अंधी अगर उन गरीबों के लिए कुछ करेगी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। ठीक है बेटी, अब घर चलो। इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। तुम ये रूम के अंदर क्यों टहल रहे हो? तो क्या खंडाला में घूमू? घर में नहीं घूम सकता क्या? ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तू कुछ भी सोच, कोर्ट बंद है आज। नमस्ते, कोई आया है? कौन आया होगा? हाँ, एक क्लाइंट होगा, क्लाइंट होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते। मैं बहुत बिजी हूँ सर। वो एक, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, 510 सेक्शन इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। अरे रे 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 रे, तुम हो? आओ आओ, बैठो बैठो, नजदीक आके बैठो। क्या नया केस है? नहीं साहब, वो पुराना लफड़ा। अरे तेरे आदमी से तुझे तलाक दिला दिया, तेरा घर भी दिला दिया, अब क्या परेशानी है तुझे? घर वाला क्यों सर? तू यहाँ खड़े होकर क्या सुन रहा है? मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, तू जाके कॉफी बना के ला। पड़ोस से लेके आता हूँ। पड़ोस से मत लाना, उसकी कॉफी बहुत खराब है। 40 नंबर से लेके आना, वहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। ठीक है ठीक है, साइकिल से मत जाना, पैदल जाना। हाँ हाँ सही है, जल्दी जाना। इन्हें लेके जाऊँ? या जाना, क्या बोल गया? हाँ तो आप कुछ कह रही थी क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, तुम ही कहो। तुम कहो, मैं कहूँ? मेरा पति जब भी मेरा नाम लेता है ऐसे ही अंगड़ाई लेता है। मुझे तू अपना आदमी समझ ले। तुझे क्या चाहिए बस तू मुझे बता दे। तुझे एक घर चाहिए था, और तुझे जो कुछ भी चाहिए मैं एक दूंगा और एक दिला दूंगा। उसके बाद दिला दूंगा। छोड़ मेरा हाथ कमीने, मेरे पति के होते हुए तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? वो क्या है ना, लवर वकील हो। वो क्या है ना, तुम कैसी हो? मैं ये टेस्ट कर रहा था। तो ठीक है, मैं अपने पति को भेजती हूँ, वो कैसा है उन्हें टेस्ट करना। ये भी आया एक पागल आशिक। ये लो सर, 4 नंबर से कॉफी लेके आया, 1 नंबर की कॉफी है, इसकी खुशबू टेस्ट सब अच्छी है। इन्हें क्या होगा, मैं ही पी लेता हूँ। तेरी तो। राजा। हाय भास्कर यार। कैसा है तू? अब तुझे मेरी याद आई? क्यों, कॉलेज में 1 मिनट भी मुझसे दूर नहीं रहता था। मुझे गाँव आए कितने दिन हो गए, एक बार भी आया तू? अरे वाह, यही बात मैं कहूँ तो? दोनों खड़े खड़े ही बात करोगे, इतने दिनों के बाद मिले हो, बैठ के आराम से बात करो। राजा अंदर आओ। हाँ। मैं कॉफी लेके आती हूँ। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। अब क्या कर रहा है तू? करना क्या है, पापा से बोलकर उनकी मदद से गांव के लोगों का इलाज करने के लिए एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली है। वेरी गुड यार। ये लो। थैंक यू। अभी तुम्हें घर नजर आया? भैया घर पे नहीं रहते तो हमसे मिलने तक नहीं आते। ऐसी बात नहीं है सुमति, घर पर बहुत काम था इसीलिए वक्त नहीं मिला। ये तो घर पे ही बैठा है, तुम तो अपने पिताजी का सपना पूरा कर रहे हो। ए माँ, एक दिन भी बुराई किए बगैर नहीं रह सकते। ये सच्ची तो बोल रही है। बिल्कुल ठीक कहा। ए क्या है? मम्मी मैं काम देखती हूँ। आहा, देखा ना मेरी बहन कितने गुस्से वाली है। स्वीट गर्ल। भास्कर जरा अंदर तो आ बेटा। मैं 1 मिनट में। हाँ जा। क्या क्या हुआ माँ, क्या बात है? भास्कर हमारी सुमति की राजा के साथ। माँ तू क्या कहना चाहती है मुझे पता है, लेकिन माँ वो एक लड़की को पहले पसंद कर चुका है और वो उसी से शादी करने वाला है। ये बात को तुम भूल ही जाओ माँ, सुमति को कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। भास्कर। हाँ आया। मेरी क्लिनिक का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। खाना खा के जाना। खाने का क्या, फिर कभी आके खा लूंगा, चलता हूँ माँ। ठीक है, मेरे क्लिनिक में जरूर आना। ओके चलो माँ। जीवा जीवा। क्या है डैडी? फैक्ट्री में हर साल खर्चा बढ़ता ही जा रहा है बेटा, मैं चाहता हूँ अब तुम संभाल लो। डैडी घर का काम मुझसे होता नहीं, फैक्ट्री कैसे जाऊंगी? तो क्या अब मैं फैक्ट्री बंद कर दूँ? ठीक है डैडी, मैं देखूंगी, ये मैनेजर से कह देना। ठीक है बेटा। ये क्या कह रही हो कंधारी, उसने तुम्हारी दुखती रगों पे उंगली रख दी क्या? नहीं मामा, आजकल जो मैं सोच रही हूँ सब उल्टा हो रहा है, आने वाले तूफान में लगता है हमारा जहाज डूब जाएगा। जहाज को डूबने दो, डूबने दो, पानी में रह के भी वो धीरे धीरे चल सकता है। क्या मामा तुझे हर वक्त मजाक सूझता है, एक फैक्ट्री थी वो भी मेरे हाथ से निकल रही है, लगता है कुछ ही दिनों में कहीं मुझे वही पुरानी गंधारी बन के रोड पे ना आना पड़े, मुझे इसी बात का डर लग रहा है मामा। डोंट वरी गंधारी, डोंट वरी, पेड़ को पालने के लिए पानी डालना ही पड़ता है, और मैं बिना पानी डाले ही पेड़ से फल निकालता हूँ, ये मेरा स्टाइल है, ठीक है ना? बाकी बाद में देख लेंगे। बहुत अच्छा है ना? अरे देखकर देखकर भैया, क्यों गाड़ी में घूमने वाले को आज पैदल चलना पड़ा तो फिसलने लगे? ए, मैं शहर का रहने वाला हूँ, गांव की पगडंडियों के बारे में मुझे क्या मालूम? ओहो ऐसा है क्या, तो फिर हमारी कितनी जमीन है तुम्हें पता है? मुझसे तो हिसाब मांग रही। घर चलते हैं। चलो देखो आइटम है भाई, संभल के चलो। संभल कर आना, देखना गिर मत जाना। हाँ।
कौन है जो उसके साथ जा रहा है? कोई भी होने तो भाई, उससे हमें क्या लेना देना। इसे जवान होकर अभी एक वर्ष ही हुए हैं। तू तो बहुत कुछ जानता है, ऐसे गुलाब को मुझसे छुपा के रखा। नहीं भाई, वो क्या है ना कि मैं अभी पैर जमा रहा हूँ, जिस दिन हाथ लगी आपके पास आ जाएगी। कौन सा फल है? अनार का फल है। भास्कर, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ये तो बस जीवा जीवा का रट लगाए बैठा है। अब तो इसी उम्मीद में मैं बैठा हूँ कि इसकी शादी करा के आराम करूँ। अंकल, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें जितना भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। तू इसके लिए क्यों तकलीफ उठा रहा है? अंकल, आप मुझे पराया समझते हैं क्या? भास्कर, तुम मुझे गलत मत समझो बेटा, तुम मेरे लिए पराये थोड़े ही हो। तुम राजा के दोस्त होने के साथ मेरे बेटे जैसे हो। भले थोड़ा वक्त क्यों ना लग जाए, राजा और जीवा की शादी मैं जरूर करवा के रहूंगा। भास्कर, तुम अपने दोस्त से बातें करो, मुझे कुछ काम है। ठीक है, आता हूँ। क्यों, ठीक है ना? थैंक यू भास्कर, तुमने मुझे इस झमेले से बचा लिया। कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। भाई भाई भाई, रुको भाई। क्या हुआ भाई? वो जम्बू। क्या हुआ बताओ? वो जम्बू है ना तुम्हारी बहन को। क्या हुआ बताओ? उठा के ले गया भाई पर? पुराने जंगल में। सुमति, कोर्ट के चक्कर में सारी जिंदगी खत्म हो रही है। मुझे भी अपनी जिंदगी सेटल करनी है कि नहीं। डरना नहीं है। बाप रे, ये तो दुबई की गाड़ी लगती है। आओ आओ, जा रहा है। क्यों बे, पढ़े लिखे होकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, वैसे मुझे भी बना रहा है क्या? ए, तूने मेरा नमक खाया है? नमक खाया है, इसीलिए पानी पी रहा हूं। क्या इन लोगों को पानी पिलाने लाया है? इज्जत से जो भी लिया है वो दे दे, नहीं तो यही पे नंगा कर देंगे तुझे। झूठ बोल के जो तुमने पैसे लिए वो मुझे वापस चाहिए, अभी चाहिए। सबको धोखा दे के भागने की सोच रहा है? अब तेरी शराब इसी में, चुपचाप सबके पैसे दे दे तू। ये सारा भाड़े से लाया हुआ है, इसका पैंट, इसका कोट, इसका शर्ट, इसका चश्मा। ये बैग मुझे दे दे, चोर कहीं का। तेरे बदन का एक एक कपड़ा हमारा है, शर्ट पैंट और ये कोट भी है। ये ओवर कोट मुझे दे दे। ये चश्मा इधर मुझे दे। शर्ट भी निकालो। निकालो निकालो। अरे क्या कर रहे हो? चलो चल, मेरा 300 रुपया निकालने तो तेरी पैंट। अरे अब इसे तो रहने दे, भगवान के लिए मेरी इज्जत बच जाएगी। क्यों, अंदर चड्डी नहीं पहनी है? मंदिर बनाते हैं भगवान की पूजा के लिए, स्कूल बनाते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, और फैक्ट्री बनाते हैं देश और जनता के उद्धार के लिए। जीवा, तुम क्या कह रही हो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुम यही चाहती हो ना कि एक हॉस्पिटल खुल जाए? हाँ डैडी, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बाप बेटी दोनों मिलके जितनी जमा पूंजी है उसे खैरात में बांट के मुझे सड़क पे लाने का इरादा है। क्यों? चुप रहो, जब भी कोई अच्छी बात करता हूँ अब शकुन लगाने चली आती हो। सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, अच्छा लगे तो सुन लो वरना कोई बात नहीं। मुझे क्या पड़ी है? उसकी बात पर ध्यान मत दे बेटी, तुझे क्या करना है ये फैसला मुझे बता दे। ठीक है डैडी। तूने जो लड़की देखी थी उसके बारे में बता। अरे बता ना यार, क्या आइटम थी वो? आह, मंदिर में मैंने जब से एक बार उसको देखा था तभी से मेरे हाथ पर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं भैया। माधवी, तू मंदिर की तरफ जा, मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना? जरा जल्दी आना भैया।
दोबारा मिलेगी तो तुझे लकवा मार जाएगा। जो आइटम मैंने बोला था ये वही है, सही मौका, हाथ मार ले। बन के तिलोक मोहिनी अवतार मोहिनी, मोहिनी अवतार मोहिनी। माँ मैं बरसों से तेरी भक्ति करती आई हूँ, मुझे मेरी आँख लौटा दे माँ। और उन्हें भी जिन्हें आँख नहीं है, कमल के आँख वाली तुझे कहते हैं, हजारों को तूने आँख दी है, मुझे भी मेरी आँख लौटा दे माँ। भैया भैया। हाँ बहन, क्या चाहिए तुम्हें? आप लोग कौन हैं? हम लोग भी इसी गांव के रहने वाले हैं बहन। नहीं, मैं अपने भैया का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी आ जाएंगे। तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? हाँ। हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं, तुम्हें घर छोड़ देंगे बहन। जरूरत नहीं है। नारी के रूप में आया था वो एक। बहन क्या बात है, गलत रास्ते जा रही हो? नहीं, मुझे इस तरफ ही जाना है। नहीं बहन, इस तरफ से, इस तरफ। बहन चलो इधर से, यहाँ से, इधर से, इस तरफ से। चलिए आइए। लेकिन मेरा भाई तो कभी मुझे उस रास्ते से नहीं ले जाता। डैडी डैडी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? माधवी नहीं है डैडी। माधवी नहीं है? बिना आँख की लड़की को कहाँ छोड़ के आ गया तू? मैं तो उसके साथ ही था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। क्या मुसीबत है। मेरे उसूलों के बारे में तुम्हें पता है या नहीं पता है ये बात मैं नहीं जानता। टेबल पे जो पैसा पड़ा हुआ है वो तुम उठा सकती हो अगर तुम्हें मंजूर है। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं अपना उसूल तोड़ रहा हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता। ओ शिट, मुझसे गलती हो गई, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? माधवी, मेरे पिताजी इस गांव के जमींदार हैं। जमींदार मतलब वो सरपंच? फिर वो जीवा कौन है? वो मेरी छोटी बहन है। ओह गॉड। जीतू सर। नीच सालो, एक अंधी बेचारी लड़की के साथ तुमने क्या किया? पैसों के लिए तुम दोनों इतना गिर जाओगे? आज के बाद मुझे तुम दोनों दोबारा नजर आए तो मैं तुम दोनों हरामजादों को जान से मार दूंगा। अभी के अभी निकल जाओ यहां से। गेट आउट। माधवी मुझे माफ कर दो, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माधवी तुम जन्म से ही ऐसी हो क्या, या फिर? मेरी दोनों आंखें अच्छी थी, मैं हमेशा खेलती कूदती रहती थी, मैं हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। ओ लो 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 लो, ये लो पकड़ो इसे, नीचे जा रहा था। गरीबों को मेरे पिताजी हमेशा अपने खर्चे से पाला करते थे। Same.
जड़ गई, मेरी आंखें हमेशा के लिए चली गई। तुम फिक्र मत करो माधवी, तुम्हारे पिताजी जैसे भले इंसान के होते हुए तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। माधवी चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। आओ, आओ। चलो। हे, सुनो इधर। मालिक, मंदिर गई माधवी, अब तक घर नहीं आई। रास्ते में वो दिखी है क्या? हमारी बेटी माधवी कहीं नहीं दिखी। कैसे हो तुम लोग, गांव में भटकते रहते हो और वो नजर नहीं आई? मालिक, दो आदमी अक्सर इस गांव में भटकते रहते हैं, वो दिखने में गलत लगते हैं। कहीं वही तो उसे लेके नहीं गए? मुझे लगता है वही लोग लेके गए होंगे। कहाँ रहते हैं वो जानते हो? नहीं जानते। नाम तो जानते हो? भी नहीं जानते। अच्छा,
ये साथ आ जाओ माधवी। संभल के। भास्कर जीवा ये वो स्टॉप इट। जीवा सुनो तो दीदी, इसके बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। पहले तुम अंदर चलो। क्यों री, कब से ये धंधा चल रहा है? यही सब करने तू मंदिर जाती है क्या? मम्मी, आज के बाद तूने मुझे मम्मी कहा तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैं यहाँ रहूंगी तो बदनाम हो जाऊंगी। मुंह बंद करो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। मुझे चुप कराओगे? जब दुनिया वाले पूछेंगे तब उन्हें क्या कहोगे बोलो? माधवी कौन है ये, कैसे तुमसे जानती है? पिताजी आप लोग मुझ पर बेकार का शक कर रहे हैं। ये कौन है ये मैं खुद नहीं जानती। नहीं जानती? आहा, क्या नौटंकी करती है, नहीं जानती? ये किसको समझा रही है अपना पाप छुपाने के लिए? अपनी जुबान को लगाम दो। क्या कहा? डैडी, दीदी तुम चलो। डैडी, दीदी ने जो कहा वो गलत नहीं है। सच जाने बिना आप भी गलत का साथ देते हो। तुम चुप रहो, वो इसे नहीं जानती तो इसे कार में छोड़ने क्यों आया? वर्षों से बनाई हुई हमारी इज्जत को इसने आज मिट्टी में मिला दिया, समझी क्या? चुप हो जाओ, कौन है क्या है ये जाने बगैर कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग? माधवी आंखों से मजबूर है और पवित्र भी। अरे पापी, तू हमारे घर की इज्जत से खेल के हमारे घर पे आके हम पे ही अपने आकर दिखा रहा है। मैं भी इज्जत वाला ही हूँ, इसीलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ। मैं माधवी को यहाँ जरूर लाया हूँ, लेकिन। लेकिन क्या? तेरे बारे में सारा गाँव जानता है। कौन क्या कहता है, किसी के कुछ कहने से मैं डर के चुप बैठने वाला नहीं हूँ। तुमने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुम आज बच गए क्योंकि ये माधवी का घर है। नहीं तो क्या, गर्दन उड़ा देते। बोलो, सारे गांव के लड़कों के साथ आयस करने वाले दूसरों की इज्जत क्या समझेगा? तू देखने में तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लगता है लेकिन दिमाग से एकदम जाहिल है। ए, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उन दोनों में भेदभाव मैं तुम्हें समझाता हूँ। तू पढ़ा लिखा है ना, एक अंधी लड़की को तू अपने कार में लाकर हमारे घर छोड़ता है। 10 लोग देखेंगे तो क्या थूकेंगे नहीं हमारे घर पे? हमारी इज्जत नहीं है क्या? चल जा। ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, एक आंख से मजबूर लड़की को मैं इज्जत के साथ यहाँ छोड़ने आया हूँ, इसीलिए मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। मेरे बारे में क्या जानते हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में अच्छे इंसान हैं, उन्हें पहचानना सीखो। मैं चलता हूँ। यस, कम इन। हाय राजा, कैसे हो? चलो आओ बैठते हैं। राजा यार, तू शराब तो पीता नहीं है, अच्छा बता क्या लेगा, कोल्ड ड्रिंक या कॉफी? नो, आई वॉन्ट व्हिस्की। What? You want whiskey? Yes. इसे पीने के बाद क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। इसे पीने के बाद इंसान के दिल की बातें जुबां पर आ जाती है और उतर जाने के बाद सारी बातों से अनजान बन के रह जाता है। कोई भी बेइज्जती करे जीना पड़ता है। क्या मतलब, तू यहाँ कुछ कहने आया है? जी हाँ। नो, तू शराब नहीं पिएगा, तू कैसे पिएगा मैं देखता हूँ। ये पीने के बाद लड़की की ख्वाहिश होती है, एक लड़की को बर्बाद भी कर सकता है। What nonsense you are talking? तेरी दुखती रख पर हाथ रखा तो चीखने लगा। तू अच्छी तरह से जानता है कि जीवा के साथ मैं ही शादी करने वाला हूँ। उसकी बड़ी बहन की इज्जत पर कलंक लग जाए तो शादी नहीं होगी, यही सोचकर दुनिया उस पर हंस रही है। तू आज मुझे पीने से नहीं रोक सकता। राजा, तू जानना चाहता है मैं शराब किस लिए पीता हूँ? तू क्या सोचता है मेरे बारे में, किसी लड़की की इजाजत के बिना उसकी उंगली भी नहीं पकड़ता है भास्कर, और तू ये सोच रहा है मेरे बारे में? राजा मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, माधवी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। राजा ए राजा, तेरी दोस्ती की खातिर मैं शराब भी नहीं पीऊंगा, आई प्रॉमिस। भास्कर राजा, क्यों इस तरह देख रही तू? क्यों जी, अब
जाकर आपको इस घर की और मेरी याद आई। देखिए जी, 150 के चक्कर में आप इस तरह पुलिस से भागते रहते हैं, ये अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है इज्जत से तुम 10 रुपया भी कमा कर लाओगे तो मैं उसमें चुपचाप गुजारा कर लूंगी। आप क्यों नहीं मेरी बात समझते जी? चुप कर। ना इस गांव में चोरी करने वाले, ना ही दारू की भट्टी लगाने वाले, और ना दारू पीने वालों की कोई इज्जत है। उन लोगों से तो कोई पूछने नहीं जाता है। अगर मैं गलत तरीके से कमाता हूँ तो उसमें बुराई क्या है? इसलिए आप गुंडागर्दी करके पैसे कमाएंगे? पद्मा, मेरा भी एक सपना है, वो पूरा होने के बाद तू जो कहेगी मैं करूँगा। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अगर पूछा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। समझ गई? भैया। क्या है माधवी? ये रास्ता तो हमारे घर का नहीं लगता, कहाँ जा रहे हैं हम? आम तोड़ने के लिए हम बगीचे में जा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या? अरे आम, माधवी तू यहीं आराम से बैठना, मैं आम लेके आता हूँ। हैं, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। क्या कहा, फिर से कहो। तुम हो, मैं कोई और समझी। कोई बात नहीं माधवी। अच्छा तुम यहाँ अकेली क्यों आई? अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो सांप तुम्हें काट लेता। सांप? अच्छा ये बताओ तुम्हारा भाई किधर है? यही है, आम तोड़ने गया है। आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। देखा ना, ये लड़की भी अब डॉक्टर का शिकार होने जा रही है। मैं किसी लड़की को जीने नहीं देगा। ए! चल भाग। वो कुछ भी करे तो सही है, गरीब करे तो बदनामी है। यही काम, अगर हम जैसे गरीब करें तो हमारा मुंह काला करके हमको गांव से बाहर निकाल देंगे। वो बच्ची है बेचारी, क्या जाने। अंधी हो या आंख वाली हो, इज्जत तो सबकी एक जैसी होती है ना। अंधी को छोड़ने के लिए तभी तो डॉक्टर जा रहा है। अरे वो डॉक्टर हुआ तो क्या हुआ, जवान लड़की का हाथ पकड़ने का दिल तो सबका करता है ना। नहीं करेगा क्या? हरामजादे कमीने, एक शरीफ लड़की के बारे में ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तू जिस मालिक का नमक खाता है उसी से नमक हरामी कर रहा है। आज के बाद तूने इस लड़की के बारे में कहा तो सारे शहर में तुझे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। इस बात को धमकी मत समझना, चल निकल। अरे रे 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 रे। बकरी। मालकिन। देखा क्या बकरी, बिल्ली दूध पीते वक्त आंखें बंद कर लेती है और सोचती है किसी ने उसे देखा नहीं। अरे रे, इसे अपनी इज्जत की चिंता नहीं है, मालिक सर उठा के चलने लायक नहीं रहे, सारी दुनिया थू थू कर रही है। नीचे थूके या किसी के मुंह पे थूके, इज्जत क्या होती है ये नीच क्या जाने। आँख से तो अंधी है ये, किसी की इज्जत मान मर्यादा ये क्या जाने। मम्मी। काहे की मम्मी, हमेशा सर उठा के जीने वाला आदमी तेरी वजह से सर झुका के चल रहा है। इस घर की सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई, अब सुनने के लिए बचा क्या है। मालकिन, इज्जत से जीना ही दुश्वार हो गया है। उसकी फिक्र इसको कहाँ है, खुद तो गुलछरे उड़ा रही है, बस कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती डायन। उसकी फिक्र इसको कहाँ है, खुद तो गुलछरे उड़ा रही है, बस कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती डायन। आपसे तो अंधी है ये, किसी की इज्जत मान मर्यादा ये क्या जाने। इस घर की सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई, अब सुनने के लिए बचा क्या है। मालकिन, इज्जत से जीना ही दुश्वार हो गया है। उसकी फिक्र इसको कहाँ है, खुद तो गुलछरे उड़ा रही है। माधवी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत बचाओ, मर जाने दो मुझे। क्या बेवकूफी, तुम क्यों मरना चाहती हो? क्या करूँगी मैं जिक्र बताओ, जिस घर में मैं बोझ बनी हूँ सबके लिए, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। वो सब मैं देख लूंगा, तुम यहाँ से चलो। मेहरबानी करके छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, तुम ये बात जानती हो ना,
चलो यहाँ से। वैसे मेरी वजह से मेरे घर वालों को जीना हराम हो गया है, इससे उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम चलो मेरे साथ प्लीज। प्लीज माधवी। तुम रास्कल, इसे मार के खत्म कर देना चाहिए, इतनी बेइज्जती के बाद ही यहाँ आया है। उस दिन तुम्हें छोड़ दिया था इसीलिए हिम्मत हुई, आज तुम्हें मार डालूंगा। डैडी ये तो बहुत जहरीला सांप है, इसको मार के भी कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की बकवास मैंने बहुत सुन ली, अब तुम लोग मेरी सुनो। पैदा करने वाले बाप ने शक किया, जीवा तुमने भी अपनी बहन पर लोगों की तरह शक किया, सौतेली माँ ने भी शक किया, तुम सभी ने शक किया। तुम्हारे शक को दूर करने के लिए माधवी आज अपनी जान देने के लिए गई थी। अगर मैं वहां पर नहीं पहुंचता तो माधवी की लाश तुम लोगों को मिलती। मैं फिर दोहराता हूं, अगर मैं चाहता तो उसी दिन माधवी की इज्जत से खेल सकता था, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी बेटी गंगा की तरह पवित्र है, यही कहना चाहता हूं। अगर मैं यहां आता हूं तो सिर्फ तुम्हारी इजाजत लेने के लिए, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो मेरी वजह से बदनाम हुई है तो उसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। चार लोगों के सामने इज्जत से अपनी बेटी की शादी करोगे या नहीं, या फिर मैं उसे ले जाकर मंदिर में शादी कर लूं। भास्कर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, माधवी और जीवा की शादी एक ही मंडप में करूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ अंकल, अब मैं चलता हूँ। मन मंदिर के दरवाजे
वशन से चेहरे को दिल करता है देखता रहो। रुक जा अरे सुनो हाँ? लड़की को लेके आओ। कन्नमा जाओ लेके आओ। अच्छा साहब जी, ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या हुआ, तुम क्यों भड़क रही हो? चुप रहो, दुल्हन आ रही है, आ जाओ बेटा आ जाओ। कौन है ये? मेरी घरवाली है। ऐसा क्या? ऐसी है, ऐसी है। पंडित जी जरा कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। हाँ ठीक है। मिस्टर भास्कर, जैसे राजा को हम अपना समझते हैं वैसे तुम्हें भी अपना समझते हैं। इसमें दहेज तुम कुछ नहीं मांग रहे हो क्योंकि पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे ब्रदर अंकल के पास जो धन दौलत है उसमें आधा माधवी का है। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो सब कुछ मेरा है वो शादी के बाद माधवी का। सब कुछ माधवी के नाम कर दिया, बहुत अच्छा है। अरे वाह, डॉक्टर है डॉक्टर रहेगा। इसने जो कहा है उसका पोस्टर बना के सारे गाँव में लगाना चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन का सबक मिलेगा। आज तक दहेज की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन आज के बाद लड़की ही दहेज होगी, हम यही समझेंगे। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ये सावन का महीना गुरुवार के दिन 10 से 12:30 बजे तक राहु काल है। क्या राहु काल है तो उसका कोई डर नहीं है। 9 बजे हम इस शुभ काम को अंजाम देंगे, यही मुहूर्त है। सबको मंजूर है ना? मंजूर है, मंजूर है। नागे मम्मी को बुला के ला। अभी बुलाता हूँ डैडी, जा जल्दी बुला ला। मम्मी मम्मी तुम कहाँ हो? मम्मी कहाँ चली गयी? मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम? मम्मी, अरे रे तिजोरी भी खाली पड़ी है। डैडी डैडी, मम्मी कहीं नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढा उन्हें, मम्मी कहीं भी नहीं है। तिजोरी का दरवाजा भी खुला है, वो खाली है। मम्मी कहीं चली गई। मैं चलता हूँ। शाबाश कंधारी, शाबाश कंधारी। तू सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल गए, लेकिन तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर नहीं निकल सकती। तू समझती होगी कि मैं यहाँ कैसे आ गया है ना? अरे रे मामा, तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने कितनी बार इशारा किया तुम्हें, मगर तुम समझ ही नहीं पाए मुझे। इसलिए मैं किसी को कुछ बताए बिना सब कुछ लेके भाग गई, क्योंकि मैं ये जानती थी कि तुम मुझे किसी तरह यहाँ आके ढूंढ ही लोगे। इसलिए मैं सब कुछ बकरी को समझा के आई थी। कंधारी, एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, तुमने साबित कर दिया। सच कहूँ तो मर्द के नाम पर तुमने सवालिया निशान लगा दिया है। क्लेवर, वेरी क्लेवर। ये क्या है, ये तो क्या है, आगे अभी देखते जाओ। मामा तुम वहाँ पे जाके माधवी, जीवा, नागेश को, उन तीनों को किसी भी तरह उठा के लेके आओ। सारी प्रॉपर्टी उन तीनों के नाम पे है, किसी भी सूरत में हम उनसे प्रॉपर्टी छीन के हम दोनों ये देश छोड़ के विदेश चले जाएंगे और बाकी की जिंदगी आराम से जिएंगे। जीवा जीवा, अब पिताजी की हालत कैसी है? क्यों मामा तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, उन्हें जल्दी लेके आओ। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? उस घर में हमारे खानदान की लड़की ब्याही है, वहाँ मेरी कुछ इज्जत है, इसलिए मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता। हाँ तुम्हें इज्जत की पड़ी है। वो अपनी सारी जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम करके मुझे फुटपाथ पे डालने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं उसे और जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे कभी चैन से जीने नहीं दूंगी, उसे जान से मार डालूंगी। तो क्या मुझे भी मारेगी? हाँ तुम ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें पलट के मार नहीं सकती, इसलिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया। कोई बात नहीं,
फिर एक बार समझाती हूँ, हम दोनों की खुशी के लिए कह रही हूँ। तुम साफ बताओ, जाओगे या नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे सहारा देने की बजाय तुम मुझे ऐसा सिला दे रहे हो क्या? तुम 10 कदम हटोगे तो मैं 12 कदम आगे बढ़ूंगी। जरा पीछे मुड़ के देख। ए कंधारी, तू 12 कदम आगे बढ़ेगी तो मैं 24 कदम आगे बढ़ूंगा। तू क्या समझती है, तू ये काम आसानी से कर लेगी? अरे मैं तो बिना बारूद का फटने वाला वो कन हूँ जो ऐसा फटूंगा कि तू नहीं बचेगी। मार डालूंगा तुझे, नहीं बचेगी तू, मार डालूंगा, मार डालूंगा। कोई भी मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा? मैं आँख से अंधी हूँ, इसलिए ना भले मैं देख नहीं सकती पर मेरे कान तो खुले हैं, मैं सुन सकती हूँ। इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं खुद को कुछ कर लूँ। इस घर के सारे लोग कहाँ चले गए? कोई है भी या नहीं यहाँ पर? सुन रहे हो या नहीं? इस दुनिया में अंधों को जीना ही नहीं चाहिए, अगर जी भी गए तो मुझे सब बदनसीब नहीं होना चाहिए। जमो, जैसा मैंने कहा उसी तरह वो तीनों मुझे यहाँ चाहिए, और उनका मैं क्या करूँगी ये तुम खुद देखोगे। तुम उनके बहुत हमदर्द हो ना? छी, बकवास बंद कर। तू मेरी रिश्तेदार थी इसलिए तेरी गलतियों पर मैं हमेशा पर्दा डालते आया। तेरे घर का मैटर है ये समझ के मैंने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया कंधारी, लेकिन तू ऐसी गद्दार निकलेगी, अगर पता होता तो तुझे पहले ही मार देता। ए, क्या बोला तूने? किसका क्या होने वाला है ये अपनी आंखों से तुम देखोगे। जम्मू जाओ, काम करो। डैडी, डैडी, जीवा, मधु दीदी, कौन है? तुम्हारे पिताजी नहीं रहे? आप अगर जल्दी नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जीवा, क्या बात है? एक लड़की बहुत सीरियस है, हमें तुरंत जाना होगा। ऐसे हालत में मैं कैसे जा सकती हूँ? जीवा, हमने जो है डॉक्टर की डिग्री ली है वो हमारे अपने सुख के लिए नहीं है, हमारी जिंदगी औरों के लिए है। तुम जाओ। जीवा, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, पहले तुम उसकी जान बचाओ प्लीज। सवाल किए बिना चुपचाप चलो वरना। भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन अंदर दो जिंदगी और मौत का सवाल है। ऑपरेशन करके मैं तुरंत तुम्हारे साथ चलूंगी। वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अभी इसी वक्त चलना होगा। ऑपरेशन थिएटर में मेरा इंतजार हो रहा है, उसे देखना है। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। ऑल राइट, याद रहिए बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारा काम खत्म होते ही तुरंत आ जाना, मैं यहीं पे बैठ लूंगा। थैंक यू। चली गई, पर घर की लाइट जाने की वजह से पता नहीं लाइट कैसे चली गई। जीवा, 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 जीवा इस वक्त हमारे कब्जे में है। कौन हो तुम? कोई सवाल नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। जल्दी से चलो, आओ इधर। अरे बापरे, भैया। ए, उठ। मम्मी। ए जीवा, इस कागज पे साइन करोगी तो छोड़ दूंगी तुझे, नहीं तो। तुम कैसी औरत हो? औरत के नाम पे तुम कलंक हो, कलंक हो। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ले आए, अगर हम लोग साइन नहीं करेंगे तो पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। जीवा, साइन कर दो जीवा। तुम तो ऐश कर रही हो, मेरे लिए क्या बचेगा? छी,
मुंह बंद करो। कमीनी, मुझे चुप करा रही है तू? अगर तुझे पंख होते तो तू कब की उड़ चुकी होती। तुझसे और क्या उम्मीद करूं मैं? बता, इस कागज पे साइन करती है कि नहीं तू? नहीं करूंगी। नहीं करना दीदी। जमो, बहुत ऊंची आवाज में बोल रही है, जरा इसकी आवाज तो कम कर। क्यों बात समझ में नहीं आ रही? अपने तरीके से समझाओ। दीदी, मेरी दीदी को कुछ मत करो, मैं साइन करूंगी। नहीं जीवा, साइन मत करना। ये ले साइन कर। मेरा हाथ खोलो। जीवा, साइन मत करना, मत करना बहन, मत करना, मत करना। हम लोग यहाँ पे, सबको पता चल गया है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। इन तीनों को उठा के गाड़ी में डालो और चलो यहाँ से। इनसे बाद में निपटेंगे, चलो। जी हाँ साहब, जी हाँ साहब, मुझे साथ ले चलो, मैं सब कुछ बताता हूँ। राजा, राजा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? भास्कर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जीवा और माधुरी तुम ठीक तो हो ना? वो लोग कहाँ गए? यहाँ से थोड़ी दूर खंडाला घाट के आउट हाउस में लेकर गए हैं। मेरे बारे में तो छोड़, उनकी जान बचा। जा जा भास्कर, जा। जम्मू, हम यहाँ आए हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुरंत अपना काम करो। राजा, राजा, माधवी और जीवा किधर है? उन्हें वो लोग कहाँ ले गए? पुराने आउट हाउस में। पुराने आउट हाउस में? उस अंधी बेचारी पर वे क्या जुल्म ढाएंगे? उसके बारे में तुम फिकर मत करो, भास्कर गया है वहां पर। भास्कर? अंकल, राजा, राजा, मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। ऐसी हालत में मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? तुम मुझे किसी भी सूरत में तुम हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, प्लीज। भास्कर की नाराजगी मैं दूर करना चाहता हूँ, अपनी आंखें दान कर पुण्य कमाना चाहता हूँ, अपने पापों को कम करना चाहता हूँ। नागू, बकरी, आओ, इन्हें उठाओ, जल्दी करो, संभाल के, जल्दी।
जीवा मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ साइन करेगी जीवा नहीं? कभी मत करना, कभी मत करना। दीदी जीवा क्या है वो, क्या है वो जीवा? इन लोगों ने बम लगा दिया है दीदी। जम्मू ये अपनी बहन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं जानती हूँ, इसे तू संभाल ले। चल जब तक साइन ना करे मारो सानियों को। मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, तभी मेरी आंखें माधवी के लिए बचाई जा सकती हैं। जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी ले चलो मुझे। हट! भास्कर तू इन्हें संभाल, मैं माधवी को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। जीवा दीदी को उठाओ जल्दी। बनता है क्या, ले चलो इसे और तेरी दादागिरी निकालता हूं। चल आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। राजा, इनकी मदद से तुम्हें आंखें मिल गई हैं। नहीं जीवा, जिसे तुम लोग आज तक अपना दुश्मन समझ रहे थे वही पंड्या मामा, उन्हीं के देन है। जिसे तुम लोग अक्सर बुरा इंसान कहते थे वही आज तुम्हारी दीदी को आंखें दे गया। माधवी, उस पांड्या जी का हम जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकते। सभी लोग कान खोल कर सुन लो भास्कर, आँख की रोशनी नहीं थी
उस माधवी को आंख की रोशनी आने के बाद उसे तेरी तरफ से पहला तोहफा है। राजा जीवा का तुमने अभी तक इंतजार किया, इसलिए तुम भी हार पहनाओ उसे।